हे गाइस, न्यूज़ ब्रदर्स। तो फर्स्ट पर बात कर रहे थे बिग बॉस के बारे में। बिग बॉस में कुछ लोग मतलब नॉमिनेटेड थे और उनमें से किसी एक को घर जाना था जिसको एलिमिनेट किया जाएगा, लेकिन एमसी स्टैन भी आए हुए थे। एमसी स्टैन अपने गाने को प्रमोट करने या फिर जो भी कह रहे मतलब वो एमसी स्टैन पिछले साल के जो विनर थे वो बिल्कुल भी आए हुए थे। और काफी सारे लोग से ये पूछ रहे थे कि आप लोगों में से नॉमिनेटेड कौन कौन से लोग हैं। तो वो लोग सभी लोग मतलब कुछ लोग उनमें से नॉमिनेटेड थे, तो उनमें से कुछ लोग हाथ उठाए थे। लेकिन एमसी स्टैन ये बोलते हैं कि अगर आप इस घर से किसी को बेघर करना चाहोगे तो किसको करना चाहते हो, तो सभी लोग अपने अपने टास्क लेके आते हैं और फिर उसके बाद उनको कुछ कैंसिल वाला उनको माला पहनाया जाता है। तो उनमें से ज्यादातर करके सना को मिलता है और सना को बिल्कुल भी एलिमिनेट कर देते घर वाले मिलकर। लेकिन एमसी स्टैन कहते हैं घर वाले ने तो कर दिया, लेकिन घर वाले करने से नहीं होता है, बाहर। एमसी स्टैन बोलते हैं कि बाहर की जनता डिसाइड करती है इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो वो कहते हैं वो बिल्कुल भी किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि हो सकता है इस घर से बड़ा प्लेयर जाने वाला है। तो उनमें से काफी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर बड़ा प्लेयर कौन जा सकता है जब उनका नाम लेने लगते हैं। तो फिर बोलते हैं इनमें से कोई नहीं जाने वाला है इस वीक, तो हो सकता है कि इस वीक में मतलब कोई एलिमिनेट नहीं हो सकता है। तो इस बारे में आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बात कर लेते हैं कल के मैच के बारे में, जो कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के बारे में, जो कि भारत में ही हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, जो कि बहुत ही बड़ा स्टेडियम था। और उसमें बिल्कुल भी भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था जो कि फाइनल था, और उसमें बिल्कुल भी टास्क किए गए थे। तो बिल्कुल भी ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है और वो बिल्कुल बॉलिंग करने का फैसला करती है। ओपनिंग में उतरते हैं रोहित शर्मा, केएल राहुल। बिल्कुल भी रोहित शर्मा बिल्कुल भी 47 रन पे आउट हो जाते हैं, बहुत ही बुरा गेम हो जाता है उसके बाद। उसके बाद उतरते हैं बिल्कुल भी विराट कोहली। विराट कोहली बनाते हैं 54 रन और केएल राहुल बनाते हैं 66 रन, जो कि आधे शतक बिल्कुल भी केएल राहुल मार लेते हैं। और इनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी, लेकिन रन उतने नहीं बन पाए थे, जो कि 240 रन पे बिल्कुल भी ऑल आउट हो गया था और बिल्कुल भी ओवर खत्म हो गए थे। जब ऑस्ट्रेलिया खेलती है तो वो बिल्कुल भी 50 रन के अंदर अंदर वो तीन विकेट बिल्कुल भी भारत ने ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी बहुत ही अच्छे खासे रन से जीत जाती है और वहां पे भारत की हार हो जाती है। तो यार इस बारे में आपको क्या कहना है, कहाँ पे गलतियां हुई थी, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, कल के मैच में, जो कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का मैच जो अहमदाबाद में हुआ था, वहां पे काफी सारे लोग पहुंचे हुए थे, काफी सारे फिल्मी स्टार पहुंचे थे। तो एक साथ में आपको 4-5 स्टार बिल्कुल भी एक साथ देखने को मिले थे, जैसे शाहरुख खान हो गए, रणवीर सिंह हो गए, आयुष्मान खुराना हो गए, दीपिका पादुकोण हो गए, और काफी सारे लोग मतलब इकट्ठे एक जगह मैच के लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि बल्कि इंडिया हार सकती है। तो यार इस बारे में आपको क्या कहना है, काफी सारे इंडियंस का दिल भी टूटा रहेगा इस वक्त, जबकि मैं भी मैच देखता था यार, बहुत ही मुश्किल हो गया इस मैच को देखना। तो यार इस बारे में आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में, मणिपुर के बारे में। मणिपुर के एयरपोर्ट इम्फाल एयरपोर्ट में कुछ ऐसी चीजें देखने गया है जिसकी वजह से वहां से दो फ्लाइट को बिल्कुल भी डाइवर्ट कर दिया गया है कोलकाता की ओर, और एक फ्लाइट को बिल्कुल भी कैंसिल कर दिया गया है। वहां के इम्फाल के एयरपोर्ट पे बिल्कुल भी यूएफओ देखने को मिला है, यूएफओ कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं भी उस चीज पे कंफ्यूज था, मेरे को भी अभी तक उतना समझ नहीं आया, लेकिन ये चीजें देखने को मिला है जिसकी वजह से वहां के एयरपोर्ट पे बिल्कुल भी सावधानी बरतने की कोशिश किए हैं काफी सारे लोग। ये चीज को लेके काफी सारे लोग टेंशन में आ गए थे कि यहाँ गड़बड़ ना हो जाए, जिसके कारण से वहां से फ्लाइट को दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया है। अगर आपने इस न्यूज को सुना है या नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं एक बंदे के बारे में, जो कि कल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, जो कि इंडिया बिल्कुल भी बनाया हुआ था 240 रन, जो कि इस वक्त को देखते हुए एक बंदे ने क्या किया था कि उसने स्विगी से एक ऑर्डर मंगाता है जो कि 51 नारियल ऑर्डर करता है और 240 अगरबत्तियां ऑर्डर करता है, और ये बिल्कुल भी प्रार्थना यही करता रहता है कि भारत बिल्कुल भी जीत जाए। लेकिन उससे ये नहीं पता था कि भारत यहाँ पे बिल्कुल भी टीम इंडिया बिल्कुल भी हार जाएगी ऑस्ट्रेलिया से, और वो बहुत ही ज्यादा दुख हो जाता है। लेकिन वो शख्स कौन था, वो बिल्कुल भी थाने के रहने वाला था, और उसने ये कोशिश किया कि भारत जीत सकता है। और भारत की जीत के लिए काफी सारे लोगों ने कुछ ना कुछ अपने हिसाब से, कुछ ने दुआ मांगी तो कुछ लेने, कुछ लोगों ने प्रार्थना की। तो यार इस बारे में आपको क्या कहना है, ये सब बंदे ने जो किया वो बिल्कुल भी काबिल तारीफ है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में, पॉसिबल बात करते हैं एक सिंगर के बारे में जो इस वक्त बहुत ही ज्यादा ट्रोल हो रहा है वो अपनी कुछ गलतियों के कारण। तो पॉसिबल बात कर लेते हैं नेहा भसीन के बारे में। नेहा भसीन एक सिंगर है पेशे से, और लेकिन कि इस वक्त बिल्कुल भी बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है उनके फैशन को लेके, उनके तरीके के लेके। असल में क्या होता है कि उनकी 41 वर्ष की बिल्कुल भी हो चुकी है और वो बिल्कुल भी बर्थडे केक काटती हैं, लेकिन उनके जो अंदाज होते हैं जैसे कि बेड पे सो के काटना या फिर उनके तौर तरीके जो बैठ कर काटती हैं केक को,
लेकिन ऐसे कुछ इस तरीके से मतलब पोज मारती हैं जो बहुत ही मतलब सोशल मीडिया के मतलब जो जनता है उनको बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और खरी खोटी बिल्कुल भी उनको सुना देते हैं। बोलते हैं एक आप तो उर्फी जावेद से भी ज्यादा खराब एक्टिंग कर लेती हैं, फोटो शूट करा लेती हैं। तो यार ये सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा वायरल था और थोड़ी फनी भी थी। तो इस बारे में आपको क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। तो यार आप सभी को पता होगा कि मेरा चैनल इस वक्त नया है और मुझे इस वक्त सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो आप लोग सपोर्ट कैसे कर सकते हो, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप इस तरीके से सपोर्ट दिखा सकते हो।